क्या होगी अनुज जी, जीरा तो अच्छी तेजी दिखा रहा है, टर्मरिक में भी अब धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है, क्या खरीदना चाहेंगे आज आप? देखिए टर्मरिक के अंदर मेरे को लगता है कि मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था तो टर्मरिक में करीबन 7,100 के आसपास खरीदारी करें, 6,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,400 तक हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल मार्केट में मोमेंटम देखा है और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है, चाइना ओपन हुआ है तो थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर आ सकती है, तो उसके चलते हमें लगता है कि मसालों में टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ग्वार को लेकर क्या व्यू है अनुज जी आपका? ग्वार में आज काफी गिरावट दिख रही है, 1.5-2% की गिरावट है यहाँ पर। देखिए ग्वार अगर देखें तो 5,800 के 83 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के आसपास है, लास्ट टाइम भी इसी लेवल से मूव हुआ था, तो 5,850 के लेवल्स मिलते हैं तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 5,850 के आसपास खरीदारी करें, 5,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,050 और 6,100 तक देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं ग्वार सीड के अंदर भी बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं।